Management Church. Hello viewers, welcome back to another episode of Exploring Adventures with Madness across Pakistan. आज हम जिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर मौजूद हैं, ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उसके फेमस होने की काफ़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम सम डिफ़िकल्ट पैचेस, ये एक ऐसा ट्रैक है जिसको बड़े बूढ़े बच्चे, फैमिलीज और दोस्त इकट्ठे मिलकर ट्रैक कर सकते हैं। और दूसरी खास वजह यह है कि जब कुछ दुश्वारियों के बाद आप ये ट्रैक कंप्लीट कर लेते हैं तो फाइनली आपको मिलता है एक बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का व्यू, ख़ास तौर पे अगर आप विंटर्स में, जिसमें हम इसको ट्रैक करने जा रहे हैं, ऐसे मौसम में आए हैं, तो आपका व्यू कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत और अनरियल होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर प्रेजेंट एट द मुश्कपुरी ट्रैक। लेट्स एक्सप्लोर दिस ट्रैक टुगेदर विद सम मैडनेस। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैडवेंचर। जी, क्या आप दे रहे हो? क्या नाम है? सागिर। सागिर, जबरदस्त। अच्छा, ये जराबे हैं और वो? ये भी जराबे। जराबे हैं, सही। और इन जराबों का क्या है मकसद, किस लिए? शूज के ऊपर पहने, शूज स्लिप नहीं। शूज स्लिप नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक कहा है। सो मुश्कपुरी ट्रैक की आपको कुछ चीजें बताता चलूं, इम्पोर्टेंट। नंबर वन तो ये कि डिपेंडिंग कि आप किस मौसम के अंदर आ रहे हैं, दिस कैन बी वेरी स्लिपरी। एंड अगर बर्फ़ जमी हुई है या बर्फ़ पिघल रही है, इट कैन बी इवन मोर स्लिपरी, जिसकी वजह से आपको या तो अपने पास जूते ऐसे रखें जिस तरह के मेरे हैं, वेल प्रिपेयर्ड रहें, वो स्लिप ना हो। अदरवाइज दीज पीपल आर हेयर, सागर इधर है, विल हेल्प यू विद दीज सॉक्स जो कि आप ऊपर चढ़ा सकते हैं, एंड उससे आप अपना जो रिस्क है, जो डैमेज है, उसको मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, और इससे ग्रिप जो है आपकी वो बेहतर हो सकती है। तो ज़बरदस्त, आओ सागर एक पिक्चर हो जाए। जो आप लोग देख सकते हैं कि विंटर्स में किस कदर, स्पेशली इस सीज़न, बर्फ़ पड़ी है, और उसकी वजह से जो रास्ता है, जो कि समर्स में शायद इजी हो सकता है, बट इस टाइम अराउंड काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एंड कुछ डिफ़िकल्ट पैचेस हैं, स्पेशली स्टार्ट में हमें मिले हैं, स्लिपरी पैचेस भी हैं, बट अगर आप कदम जमा के चलें, या इफ़ यू कैन गेट सॉक्स फ्रॉम समवेयर अराउंड, या फिर अगर आपके पास अपनी गेयर है, स्पेशली शूज़ का जो कि प्रॉपर है दिस वेदर इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग एंड हाइकिंग इन दिस वेदर, देन यू शुड बी गुड टू गो। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, कदम जमा रहे हैं। फाइनली हम उस मार्क पर पहुंच चुके हैं जहां से एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है।
अगर आपने मुशपुरी का ट्रैक स्टार्ट करना है तो आप लोगों को डूंगा गली का स्टार्ट लेना पड़ेगा, जहाँ से एक 1.5 किलोमीटर की रोड है जो कि इस गेट तक आती है। वो रोड लेके जब आप फाइनली यहाँ पर पहुँचते हैं, आपका मुशपुरी का ट्रैक स्टार्ट होता है और यहाँ से तकरीबन 2.8 किलोमीटर्स का अपहिल ट्रैक है जो कि आपको लेके जाता है मुशपुरी पीक के ऊपर। बीच में कुछ स्टॉप्स हैं जो कि 2.8 किलोमीटर से कम के भी हैं, आई थिंक 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, स्पॉट्स आते हैं, कुछ इंटरेस्टेड टूरिस्ट वहाँ पर भी रुक जाते हैं। बट अगर आपने असल मज़ा लेना है फाइनल डेस्टिनेशन का, मुशपुरी पीक का, जहाँ पर असल व्यू है, असल खूबसूरती है, तो वो 2.8 किलोमीटर्स का सफ़र तय कर ऊपर आपको मिलती है। और आज हम वहीं पर जाने लगे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे वो खूबसूरत किस्म का व्यू। 2.8 बजाय सुनने में शायद इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लगे, लेकिन डिपेंडिंग कि आप किस वेदर में हैं, स्पेशली विंटर्स में जिस मौसम में हम ये ट्रैक कर रहे हैं, प्लस क्योंकि अपहिल ट्रैक है तो 2.8 भी कभी कभार मुश्किल लगता है, बट वी आर ऑल रेडी फॉर दैट एंड कांट वेट टू शो यू गाइस द टॉप, द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ मुशपुरी। सो लेट्स कीप मार्चिंग फॉरवर्ड, लेट्स डू दिस। कुछ इस ट्रैक पे ऐसे पैचेस आते हैं जहाँ पे आपको बाहर लगता है कि शायद बर्फ़ जो है वो जमी हुई है, आपका पाँव अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वो सॉफ्ट बर्फ़ होती है, नरम बर्फ़ होती है और उसमें आपका पाँव चला जाता है। जिस तरह ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये मेरी जो स्टिक है इधर आप लोगों को ये दिखा रही है कि तकरीबन 150 सेंटीमीटर जो है बर्फ़ जो है वो नीचे है यहाँ पे। सो स्टिक होने का ये फ़ायदा हो सकता है कि आपको जहाँ ऐसे लगे कि यहाँ नरम बर्फ़ हो सकती है, उधर आप अपनी स्टिक से चेक करते हुए अपने कदम जमाते हुए जा सकते हैं। एक और चीज़ जो मेरी टीम की और डिस्कवर पाकिस्तान चैनल की कोशिश होती है, एक हमारा मिशन है टू प्रमोट इको कल्चरल टूरिज्म। एंड मुझे काफ़ी दुख होता है जब मैं जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने, अब पीछे रास्ते में भी मुझे एक आधा रैपर मिला, बट वो मैंने उठा के तो अपनी जेब में रख लिया, बट दिस इज जस्ट ridiculous, this is heartbreaking। आप देख सकते हैं this is the main track of मुशपुरी और मुशपुरी इतना खूबसूरत ट्रैक है, यहाँ पर आपके foreigners भी आते हैं, and unfortunately this is the message that we are sending। मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर जो हैं इस इको कल्चरल टूरिज्म, मतलब कि आपके अराउंड जो इको सिस्टम है, ऐसी जगहें जो इतनी डिवेलप नहीं है बट जहाँ पर जो नेचर है, आप नेचर को प्रिजर्व करें। एंड अगर हम ऐसी चीज़ें जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर कोई केले का छिलका या माल्टे का छिलका फेंकता हूँ, वो बायोडिग्रेडेबल है, वो मिट्टी के अंदर मिल जाएंगी, बट प्लास्टिक जो है वो मिट्टी के अंदर नहीं मिलेगा, ये हज़ार करोड़ों साल बाद भी यहीं पड़ा रहेगा। तो मकसद ये बताने का है कि इस जो सफाई है उसका ख्याल हम लोगों ने खुद करना है, और आई होप कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं, मेरी मैडवेंचर टीम एंड डिस्कवर पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को प्रमोट कर सकें, ये मैसेज आप तक लेकर आ सकें, और अगर ये मैसेज आप तक आता है तो उम्मीद है कि ये मैसेज आप लोगों के दिल और दिमाग को छुए। सो दिस इज़ अ वेरी लिटिल एफर्ट, ये मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली समथिंग, दिस इज़ वाई वी आर कैरिंग दिस बैग एज वेल। हमारी कोशिश होती है कि हम इस इको कल्चर, एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं, मेरी टीम
अपनी इतनी इक्विपमेंट के साथ अगर हम ये बैग कैरी कर सकते हैं, तो अगर आप एज अ टूरिस्ट इधर आए हैं, अगर आप लोग सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, तफरी के लिए इधर आए हैं, तो आई एम श्योर कि एक बैग कैरी करना सिर्फ इसलिए कि जिसमें आप लोग जो चीज़ खा रहे हैं उसको साथ साथ इसके अंदर फेंकते रहें। और ये चीज़ स्कैनी बिल्कुल जायज़ नहीं होगी कि ये लोकल्स को इधर इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। देखें, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जो इधर लोकल्स हैं यहाँ पे नथिया गली में, डूंगा गली में, ये उनका फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, उनको ज़रूर चाहिए कि साथ साथ लोगों के अंदर भी इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करें कि अगर फॉर एग्जांपल आप नीचे किसी स्टॉल से कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है मे बी दे कैन डू वन थिंग, इसके आपको कोई पेपर बैग दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि प्लीज़ इधर ये गन ना मचाया जाए। तो दैट इज़ वन थिंग दैट दे कैन डू, बट दिस इज़ वन थिंग जो अब हम पाकिस्तानियों के अंदर बिल्ट इन आ जानी चाहिए। एंड मैं समझता हूँ जिन लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, हमारी पूरी कोशिश है कि उन भाइयों उन बहनों तक इस अवेयरनेस को पहुँचाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट एनी प्लेस पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो आप उसमें सफाई का ख्याल रखेंगे। एंड मुझे बहुत खुशी होगी और आई एम श्योर कि आपको भी एक पर्सनल जो सेटिस्फेक्शन है वो भी मिलेगी, ट्रस्ट में आपको मिलेगी। और इस पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती जो है वो अल्लाह ताला ने दी है, उसकी खूबसूरती मेंटेन करना वो हमारा फ़र्ज़ है, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम वो करें। ये आप देख सकते हैं, ये एज ऑफ द ट्रैक है, विच मीन्स के नीचे जो है वो खाई है और यहाँ तक भी बर्फ़ पड़ी है। बट वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल, लाइक आई सेड कि आपको बज़ाहिर नरम बर्फ़ लग रही होगी, लेकिन अगर आप एक गलत स्टेप लेंगे तो मे बी आप खाई के नीचे गिर सकते हैं। बट एक्चुअल रास्ता यहाँ नहीं है, वो ट्रैक यहाँ पर जा रहा है। तो मेक श्योर कि आप जो फुट ट्रैक है उसको भी फॉलो रखें और ज़्यादा ओवरवेल्म ना हो बर्फ़ देख के, क्योंकि अक्सर अवकात ये होता है कि नॉर्मली जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो बर्फ़ देख के तो उसके अंदर छलांगें और लोट पोट, जो कि अच्छा है, वन नीड्स टू इन्जॉय दैट, बट बड़ा केयरफुली, स्पेशली इस तरह के ट्रैक में जहाँ पर आपको पता है कि एक साइड पर पूरी खाई है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दैट, स्पेशली इस मौसम में। हमने तकरीबन एक किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, लेकिन इस एक किलोमीटर के अंदर मुशपुरी का ट्रैक नहीं आता। मुशपुरी का ट्रैक जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक का कुछ डिस्टेंस भी इसके अंदर कवर होता है। सो अभी देयर इज़ अ लॉट मोर वे टू गो ऑल द वे अप टॉप। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉफ्ट जो नरम बर्फ़ है उससे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो है मेल्टेड बर्फ़। तो वो बर्फ़ जो कि मेल्ट हो चुकी है या अभी उस फेज़ में जहाँ वो मेल्ट हो रही है और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी स्लिपरी और अक्सर अवकात जो है आपको बाहर देखने में भी पता नहीं चलता, ऐसे लगता है कि शायद पानी ही है, बट वो मेल्टेड बर्फ़ होती है, विच कैन बी वेरी डेंजरस, वेरी स्लिपरी। सो मेक श्योर कि आप उसका भी ख्याल रखें। एंड कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। फाइट ट्रैक लेने का एक तरीका है, नॉर्मली अगर बर्फ़ ना हो तो आपको इजीली नज़र आ जाता है और आप आराम से जो है वो शॉर्टकट लेके ऊपर जा सकते हैं, बट चूँकि बर्फ़ ज़्यादा थी तो ऑब्वियसली स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि मैंने किया है और उसकी मदद से सेफली मैं अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ। नाउ कुछ ही कदम बाद आई विल जॉइन माई टीम बैक, चूँकि पीछे आ रही है नॉर्मल ट्रैक से। ये है वो मेल्टेड स्नो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आप देख सकते हैं कि कुछ पैचेस हैं यहाँ पे जो मेल्ट हुए हैं। एंड कुछ स्नो जो है वो सूरज की वजह से, जब सूरज निकलता है धूप की वजह से मेल्ट हो जाती है, कुछ क्योंकि ऑब्वियसली इधर से काफ़ी टूरिस्ट जो हैं वो आते जाते रहते हैं, तो पैरों की फ्रिक्शन की वजह से भी कुछ ऐसे पैचेस होते हैं, आपको उधर पाँव के निशान भी नज़र आएंगे और मेल्टेड स्नो भी नज़र आएगी जैसे कि इधर है।
सो अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये एक नॉर्मल पैच है बर्फ़ का, बट ये क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट्स हैं इसकी वजह से ये थोड़ा सा मेल्टेड पैच है, विच इज़ वाई थोड़ी मुश्किल हो रही है ऊपर चलने में, स्लिप कर रहा हूँ। इस दफ़ा विंटर सीज़न में बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, जिसकी वजह से मुशकपुरी की जो पीक है उस पर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। काफ़ी टूरिस्ट जो हैं इधर हम देख रहे हैं कि वो ऊपर से नीचे वापस आ रहे हैं और टॉप तक नहीं जाया जा रहा है। इनफैक्ट जो लोकल्स भी हैं उनके लिए भी ऊपर पीक तक जाना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। सो लेट्स सी कि हम लोग जो हैं ऊपर पीक तक पहुँच पाएंगे या नहीं। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको पीक का व्यू दिखाएँ, क्योंकि ऐसे मौसम में मुशकपुरी है उसका जो टॉप व्यू है वो It's one of the beautiful sights in Pakistan, and I would love to share this with you guys, and I will most definitely. But हमें जो है अपना ये सफ़र काफ़ी tactfully और carefully तय करना पड़ेगा। Like I said, कि बीच में tricky snowy patches हैं, बीच में आगे कुछ ऐसे रस्ते हैं जो कि locals ने भी clear नहीं किए, तो probably we'll be the first ones जो कि उस रस्ते को clear करके आगे रास्ता track बना रहे होंगे आगे मुशपुरी peak तक पहुँचने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो है उसको एंटिसिपेट कर रहा हूँ, सो वी आर रेडी फॉर दैट, वी आर इक्विप फॉर दैट। लेट्स सी हाउ दिस वन गोस, सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। लाइक आई सेड, कुछ डिफिकल्ट और अपहिल पैचेज आते हैं, एंड ऑब्वियसली उसके बाद थोड़ा सांस चढ़ जाता है आपको। सो मेक श्योर यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि अक्सर ठंड में लोग ये भूल जाते हैं, उनको शायद लगता है कि उनको प्यास नहीं है, बट फोर्सफुली अपने आप को पानी पिलाएं, बट मेक श्योर कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, चाहे सर्दी हो या गर्मी, क्योंकि अक्सर का जो ट्रैक आपको शायद आसान लग रहा होता है, कभी कभी वो आपके ऊपर फिजिकली जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, और अनकॉन्शियसली ये ना जानते हुए कि वो ट्रैक जो है फिजिकली आपको जो है वो आपके लिए दुश्वारियां पैदा कर रहा है, ऐसा हो सकता है। सो मेक श्योर कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड इवन इफ यू फील कि ज़रूरत नहीं है, एंड शॉर्ट ब्रेक्स जो हैं वो लेने में कोई हार्म नहीं है। सो शॉर्ट ब्रेक्स छोटे से इंटरवल्स लेके, कैच योर ब्रेथ, टेक अ शॉर्ट ब्रीदर, देन कीप मूविंग फॉरवर्ड। लगभग हमने कोई एक किलोमीटर का ट्रैक जो है वो कवर कर लिया है मुशपुरी का। जैसे जैसे हम एलिवेशन गेन कर रहे हैं ठंड थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, सो बेहतर है कि अपने आप को कवर रख सकते हैं। एंड लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। This is why a stick is very important, and इसको इस्तेमाल करना तरीके से उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। So make sure you have a stick with you and you keep using it.
without missing a step. बीच में आपको ऐसे पैचेस भी मिलेंगे जहाँ पे दरख्त गिरे हुए हैं. शायद कुछ ऐसे दरख्त हों जो छोटे हों, उनको क्रॉस करना आसान हो, बट देन अगेन कुछ ऐसे पैचेस जहाँ पे कहीं कोई बड़ा दरख्त गिरा हो उसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. शायद उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हो, तो मेक श्योर कि आप उसको भी चेक करते हुए, क्लियर कराते हुए अपना रास्ता तय करें. जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, बर्फ जो है बहुत थिक होती जा रही है, डीप होती जा रही है. सो वन कैन ओनली इमेजिन कि जब हम पूरे मुशपुरी की टॉप पर पहुंचेंगे तो किस कदर बर्फ होगी, कितनी गहरी बर्फ होगी वहां पर. एक और चीज़ जो मुशपुरी ट्रैक की खूबसूरती में वैल्यू ऐड करती है वो है ये दरख्त. आप लोग देख सकते हैं ख़ासतौर पर मेरे पीछे कि किस तरह खूबसूरती से जो है उन दरख्तों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये चीज़ जो है इस मौसम में इस कदर खूबसूरत लग रही है. लेकिन आई एम श्योर अगर आप किसी और मौसम में आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑटम में आते हैं, तो शायद यही दरख्त जो है इनका जो ऑरेंज कलर है वो मज़ीद इसकी खूबसूरती में वैल्यू ऐड कर देगा, और हर मौसम में इसके जो है वो डिफरेंट रंग, आप उसकी डिफरेंट खूबसूरती जो है मुशपुरी ट्रैक की इन्जॉय कर सकते हैं. That being said, let's keep moving forward and let's keep exploring some more beautiful sceneries and some adventures at the Mushkpuri Trek. So, a narrow passage hai. चूँकि प्रॉब्ली शायद इतना नैरो नहीं होता, बट चूँकि बर्फ़ काफ़ी पड़ी है एक साइड पे, जिसकी वजह से पासिंग जो है वो मुश्किल होगी और कदम जो है वो जमा के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड पे जो है बिल्कुल खाई है और बर्फ़ है. This is exactly what I'm talking about. Need to be careful. I think ये narrow passing जो है वो हमने cross कर लिया successfully. ये बिल्कुल वही नरम बर्फ है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको बज़ाहिर लगता है कि आप इधर कदम जो है वो जमा सकते हैं, लेकिन तो बर्फ़ जो है वो काफ़ी डीप होती है, और अगर आप एज पे हैं तो आप नीचे की सीटें जा सकते हैं इफ़ यू नॉट वेल प्रिपेयर्ड और ट्रेन फॉर दिस. एक और चीज़ जिसमें इस ट्रैक में दुश्वारी आती है वो ये कि अक्सर आप जा रहे हैं और सामने से कोई लोग जो वापस नीचे उतर रहे हैं, तो पासिंग इतनी नैरो होती है काफ़ी मुश्किल हो जाता है दो लोगों का साइमल्टेनियसली गुजरना. सो वाओ, सो मेक श्योर कि ऐसे मौक़ों पर आप रास्ता जो है वो तरीके से किसी को दें, और ऐसी जगह पर जगह बनाएं जहाँ पर बर्फ़ जो है थोड़ी सख्त हो. Unfortunately, I've lost my stick. वो नीचे बर्फ़ में गिरी है. Normally, I'd suggest
कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है सो लेट इट बी, बट सिंस वी आर इक्विप्ड एंड वी आर ट्रेन्ड फॉर दिस एंड वी हैव अ टीम सो वी कैन मैनेज टू पुल ऑफ दिस स्टंट, आई विल गो ऑल द वे डाउन, ग्रैब माई स्टिक एंड देन वील कंटिन्यू आवर जर्नी. सो लेट सी हाउ दिस गोज. सो एक जो मुश्किल आ रही है वो ये है कि बर्फ काफ़ी जूतों के अंदर जा रही है बिकॉज इट्स क्वाइट डीप एंड आई थिंक आई नीड माई ग्लव्स क्योंकि बर्फ में हाथ भी जमाते हुए, सिर्फ पाँव नहीं हाथ भी जमाते हुए मुझे नीचे जाना पड़ेगा. काफी करीब पहुंच चुका हूं बर्फ के. I've managed to grab my stick. What cost अब ये देखना है. How can I manage to climb back up? क्योंकि थोड़ा सा steep है काफ़ी. नीचे जाना तो आसान था क्योंकि हम स्लाइड करके चले गए. अब कोशिश करता हूँ कि वहीं जहाँ बर्फ जिस पर स्लाइड करता आया हूँ उसको जमा कर उस पर पाँव रखूँ और वापस ऊपर आऊँ. Almost there. Woo! We made it. Oh, we made it. Finally, it wasn't easy at all. क्योंकि काफी बर्फ काफी जगहों पे डीप थी, काफी स्लिपरी थी, ग्रिप नहीं आ रही थी. बर्फ थी उसको पकड़ता था तो बर्फ जो है वो हाथ में आ जाती थी. सो कुछ सॉलिड चीज मुझे नहीं मिली टू ग्रैब ऑन टू एंड जूतों में भी जो है वो काफी बर्फ जा चुकी है एंड इट्स टाइम टू रिफ्रेश माय शूज. आई वाज अ बिट नर्वस टू बी ऑनेस्ट बिकॉज नीचे जाना शायद आसान था बट ऊपर आते हुए डर लग रहा था ये सोच के देयर इज नथिंग टू ग्रैब ऑन टू. क्या ऊपर आना आसान होगा या नहीं. थैंकफुली पांव काफी हद तक गीले हो चुके हैं बट थैंक्स टू माय टीम, थैंक्स टू माय ट्रेनिंग वी वर एबल टू पुल दिस ऑफ. ऑलराइट सो मेरे हाथ इस वक्त जम रहे हैं. कांट वेट टू पुट द ग्लव्स बैक ऑन. Alright, let's go.
हम हाफ वे से स्लाइटली थोड़ा और डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और मेरे बिल्कुल पीछे ही आप लोग देख सकते हैं ब्यूटीफुल मुश्कपुरी पीक, वो है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन आज की जहां हमने पहुंचना है। बट उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बर्फ की लहर है, सफ़ेद बर्फ़ की लहर, वो किस कदर खूबसूरत लग रही है। इस ट्रैक की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है और ये व्यू देख के हमारी मोटिवेशन, हमारा जज्बा जो है वो बढ़ गया है मुश्कपुरी पीक तक पहुँचने का। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। So we've made it to the top, but I think थोड़ा सा आगे चल के एक और मुश्कपुरी की पीक है जिसको हम अचीव करेंगे एंड आई थिंक वहाँ से हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे व्यू। बट दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आई थिंक अभी तक कोई नहीं आया है एंड आप देख सकते हैं कि इस वक्त कोई क्राउड नहीं नज़र आ रहा, कोई आप लोगों को आवाज़ नहीं नज़र आ रही, सिर्फ खामोशी है, सफ़ेद बर्फ़ की चादर है, खूबसूरत सा व्यू है एंड आई थिंक ऐसे व्यू में You just take a short breather, let this moment sink in, and बस इस moment को capture करें and cherish करें for the rest of your life. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुश्कपुरी की काफ़ी पीक्स हैं, चूँकि इस दफ़ा विंटर्स में बर्फ़ इस ज़्यादा पड़ी है कि कुछ ऐसी पीक्स जो हैं जो हम एक्सप्लोर करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए हैं। उसकी वजह यह है कि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है और इतनी देर बर्फ़ में पाँव जमाए रखना काफ़ी डेंजरस हो सकता है आपकी सेहत के लिए, फ्रॉस्टबाइट या निमोनिया के चांसेस ये हो सकते हैं। उसके साथ साथ चूँकि कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं बना हुआ है तो ट्रैक ढूंढने में भी मुश्किल हो सकता है, काफ़ी रिस्की हो सकता है, सिंस आप नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर खाई और कहाँ पर ट्रैक खत्म हो गया, विच इज़ वाई वी केम टू एक्सप्लोर दिस अनदर पीक ऑफ मुश्कपुरी जहाँ हम ईजीली पहुँच चुके हैं एंड अब यहाँ से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे खूबसूरत व्यू मुश्कपुरी पीक का। और जब ऐसी जगह पे आप पहुँच जाएँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस मोमेंट को कैप्चर करें। This is Madventure. सूरज गरूब होने को है और हमारी कोशिश है कि हम सूरज गरूब होने से पहले नीचे पहुंच जाएं, रोशनी के अंदर नीचे पहुंच जाएं, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया कि वापसी पे जो है कदम जमाना ज़्यादा मुश्किल है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी स्टीप और नैरो पैचेस हैं जहाँ पे एक कदम भी आपका स्लिप हुआ तो वो जानलेवा हो सकता है। तो हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द नीचे पहुँचें और इसीलिए हमने स्पीड पकड़ ली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड।
फाइनली हमारा मुशपुरी का ट्रैक अपने इख्तिताम को आता है। बड़ा ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग ट्रैक था, ख़ास तौर में विंटर्स में, जबकि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी। इतनी बर्फ़ कि काफ़ी ऐसी पीक्स थी मुशपुरी की जो कि क्लोज थी और वहाँ पर जाना जो है वो ख़तरनाक हो सकता था। तो हमारी कोशिश थी कि आप लोगों को मुशपुरी की पीक दिखाएँ, और ऐसी पीक हमने एक्सप्लोर की जहाँ तक हम जा सकते थे, और वो फिर हमने आप लोगों से व्यू पॉइंट शेयर किया। और क्या ही खूबसूरत ट्रैक था, ना ही कि सिर्फ व्यू पॉइंट खूबसूरत था बल्कि थ्रू एंड थ्रू मुशपुरी का जो ट्रैक है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो खूबसूरत था। जिस तरह बर्फ़ जो है उसकी सफ़ेद चादर जो है वो हमें नज़र आती थी, हर पॉइंट पर जो है उसकी एक डिफरेंट रंग, एक डिफरेंट एंगल और एक डिफरेंट खूबसूरती थी, और हमने उसका मज़ा उठाया और कोशिश की कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें। काफ़ी चैलेंजेस हमें बीच में फेस आए, खास तौर पर मैंने लॉस्ट माई स्टिक और आप लोगों को बताया कि क्यों वो स्टिक जो है इतनी ज़रूरी थी, और हमने अपनी जान पर खेल कर उस स्टिक को वापस नीचे जाकर खाई से जो है वो हम लेकर आए। लेकिन वंस अगेन मैं डिस्क्लेमर देता जाऊं कि ये ऐसा एक्टिविटी है जो कि सिर्फ स्किल्ड लोग, ट्रेंड लोग विद इक्विपमेंट एंड टीम कर सकते हैं, सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर दैट यू आर। इसके साथ साथ ही हमारा ट्रिप जो है, हमारा ट्रैक जो है मुशपुरी का, वो अपने अख्ताम को होता है। लाइक आई सेड कि इस ट्रिप को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ रह चुकी है, चेरी ऑन टॉप, और वो थी ये गर्म चाय जो कि फाइनली हमें मिल चुकी है। नाउ वी गोना एंजॉय आवर हॉट कप ऑफ टी। दैट्स इट फ्रॉम हियर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज माय एडवेंचर। टेक्नो